अब आप लोगों का इस चीज़ पर क्या मानना है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई बार आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया के अलग अलग कोने से, ऐसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों से कई सारी वीडियोस और फोटोज़ वायरल होते हुए देखी होंगी। इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियों के उसी जिस दिन उनकी शादी है या फिर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है लाइफ का, तो उसी दिन उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, या फिर हम देखेंगे कि कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, या फिर वो कोई डिग्री या कोर्स कर रही हैं तो उनका उस दिन एनुअल एग्ज़ाम या फिर कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। अब ये इन्हीं के साथ क्यों ऐसा होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर मैंने लड़कियों को ही देखा है। तो लड़कों का ऐसा कभी बड़ा रेयर रेयर देखने को मिलता है कि लड़के जो हैं बिल्कुल उसी अटायर में शादी जोड़े में बिल्कुल गए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब ये मान लो कि लड़के प्लानिंग करने में ज़्यादा अच्छे होते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, तो इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो माहौल है, जिस हिसाब से दिखती हैं चीज़ें इंटरनेट पर, वो सब चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ। अब ये भी कह सकते हैं कि शायद माता पिता का प्रेशर रहता हो लड़की के ऊपर, जो डेट पंडित जी ने डिसाइड कर दी है उसी दिन तुम्हें सब कुछ करना है। अगर गलती से एग्ज़ाम डेट और मैरिज डेट या फिर कोई और मेजर इवेंट उनकी लाइफ का उसी दिन क्लैश हो रहा हो, तो भाई किस्मत की बात है ये। अब आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या मानना है तो कृपया करके एक बार कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे भी कुछ नई जानकारी मिले कि क्या रीज़न हो सकते हैं इन सब चीज़ों के पीछे। ऐसी एक वीडियो केरला से वायरल हुई है। अब इसमें जो लड़की है वो पूरी दुल्हन की ड्रेस में, अब दुल्हन की जो ड्रेस है उसी के ऊपर उन्होंने लैब कोट पहन रखा है और गर्दन में एक स्टेथोस्कोप जो है वो डाल रखा है। अब इनका नाम जो बताया जा रहा है वो श्री लक्ष्मी अनिल करके है। ये बेथनी नवजीवन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में पढ़ती है। अब इनका बताया जा रहा है कि उस दिन फिजियोथेरेपी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। अब इंस्टाग्राम पे ये वीडियो शेयर करी गई है और कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स इस पर लिख रहे हैं नो कम्प्रोमाइज विद करियर। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इतनी रिजिडिटी क्यों है इन चीज़ों में। अगर एग्ज़ाम है तो मे बी आप जो है पोस्टपोन कर सकते थे। तो अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह रहा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आखिर ये क्या सही है या